मंगलवार अहले सुबह सरायकेला के चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ा हादसा हुआ है। हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जहां चार बोगी को छोड़कर सभी बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है। जिन दो लोगों की मौत हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रेन के शौचालय में फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में बचाव दल ने बोगी काट कर निकाला। हालांकि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि 15 से 20 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सरायकेला और चक्रधरपुर के डीसी को बचाव राहत कार्य के लिए निर्देश दिया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर से राहत कर्मियों की टीम घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं DRM, रेलवे के वरीय अधिकारी और सरायकेला उपायुक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें हावड़ा कांटाबाजी एक्सप्रेस, खड़गपुर से धनबाद एक्सप्रेस, हावड़ा बारवेल एक्सप्रेस, एर्नाकुलम से टाटा एक्सप्रेस शामिल है। वहीं बिलासपुर से टाटा एक्सप्रेस को राउरकेला में और हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर लिखा कि एक और विनाशकारी रेल दुर्घटना। हावड़ा मुंबई मेल आज सुबह झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में पटरी से उतर गई, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आगे उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या यही शासन व्यवस्था है? लगभग हर हफ्ते यह सिलसिला, रेल पटरियों पर मौत और चोटों का यह अंतहीन सिलसिला हम आखिर कब तक सहन करेंगे? क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन हादसे की खबर मिली। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन चक्रधरपुर में पटरी से उतर गई। कुछ लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। सभी को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। ईश्वर सभी की रक्षा करे। राज्य सरकार यात्रियों को हर संभव राहत पहुंचा रही है। सभी अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ट्रेन से जुड़ी आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दी फोर्थ पिलर के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।